से सिंपल सिंपल रेसिपी खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो क्यों ना इस मैंगो सीजन ये मज़ेदार से रसमलाई ट्राई करें, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है और इंस्टेंट बन जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप जो है दूध ले लिया और एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर में जो है आधा कप दूध डाल के इसे अच्छे से एकदम पतला सा घोल तैयार कर देते हैं। और जैसे ही दूध गर्म हो जाए उसके बाद मैंने इसमें करीबन जो है एक चौथाई कप जो है शक्कर ले ली है, वो डाल दिया है। उसे भी अच्छे से घोल लीजिए आप। और जैसे ये शक्कर जो है वो अच्छे से घुल जाए और दूध में उबाल आने लगे उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और थोड़ा सा गैस मैंने सिम कर दिया है और बस इस घोल को हल्के हल्के उस पर डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो कस्टर्ड जो है वो नीचे चिपक जाएगा। थोड़ी ही देर में देखेंगे तो कस्टर्ड वाला दूध जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बस लगातार आप इसे 2 मिनट तक चलाते रहिए। साथ में मैंने इसे ड्राई फ्रूट्स डाल के अलग रख दिया है दूध जो है ठंडा होने के लिए। और बस सेकंड प्रिपरेशन करने के लिए मैंने एकदम फ्रेश मलाई होती है ना दूध की, वो ले ली, या तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और इसमें 3 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है और 1 कटा हुआ आम जो इस तरह से स्लाइस में कट किया है मैंने, पतले पतले छोटे छोटे उसमें कट कर लीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। और मैंने बस इससे भी हम अलग रख देते हैं। और जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे इस किसी भी ग्लास या कटोरी की सहायता से इस तरह से गोल गोल कट कर लीजिए। स्टफिंग हमने बनाई है ना, बस उसे बीच में सेंटर में भर दीजिए। जब भी आपके यहाँ मेहमान आए ना तो ये इंस्टेंट मिठाई आप बना सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगती है। और बस इस तरह से सेकेंड उसमें से कवर कर दीजिए। और जो हमने ठंडा किया दूध कस्टर्ड वाला रखा था ना उसमें हमने करीबन 1 आम का पल्प मिक्स कर दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए, थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। और नेचुरल येलो कलर है, मैंने इसमें कुछ भी फूड कलर यूज़ नहीं किया, आम का भी कलर है। बस इस तरह से हमने जो ब्रेड थी ना उसके ऊपर पोर कर दीजिए और ये मज़ेदार सी हमारी जो है मैंगो रसमलाई तैयार है। और इतनी ज़्यादा यमी लगती है ना, अगर आपने एक बार बनाया ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। मेरी आवाज़ को इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा कोल्ड और कफ हो गया है। और बस इस तरह से हम मैंगो से जो है अच्छे से गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये बस चिल्ड एकदम 3-4 घंटे फ्रिज में रख दीजिए और अपने मेहमानों को और अपने बच्चों को सर्व